हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप पुराने वीडियो में हमने कह दिया था कि एक्सपेरिमेंट अब आ रहे होंगे लगातार, और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हर कोई करना चाहता होगा, हर किसी का मन करता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे होंगे स्लाइम। स्लाइम क्या है? एक्चुअली ग्लू का ही थोड़ा चिपचिपा सा मजा सा, जैसे क्ले होती है हमारी चिकनी मिट्टी, वैसे ही हम कुछ बनाएंगे। चिकनी मिट्टी को तो आप देख सकते हो, थोड़ा हार्ड होती है और खेलने में मजा आता है हर किसी को, तो वैसे ही होगा। ये चीज थोड़ी उससे ज्यादा चिपचिपी होगी, मजेदार होगी, आप घर पे बना सकते हैं। तो वो चीज कैसे बनाएंगे वो आज हम दिखाते हैं आपको। आप घर पे फ्री में बना सकते हैं, आपके पास सारी चीजें होंगी, थोड़ी सी चीज लानी पड़ेंगी आपको, ठीक है? तो करते हैं वीडियो को शुरू। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी वीडियो आने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हमने ग्लू ले रखी है, ठीक है? ये आपके घर में ही मिल जाएगी। ग्लू थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, फिर हमारे पास बोरे कैसे, ये आप केमिस्ट से जाके ले सकते हैं, ठीक है? आपको मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिले। इसके बाद हमने यूज कर रहे हैं फेयर लवली मॉइस्चराइजर क्रीम, ठीक है? इन सब क्या बनेगा, क्या सोच रहे हो? स्लाइम, थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है? तो सबसे पहले चलिए ऐड करते हैं बोरिक एसिड। तो थोड़ा सा, एक ही चम्मच लिया, एक और चम्मच ले लेंगे, ठीक है? अगर आपको और मतलब जितना बनाना है उतना। ये बोरिक एसिड क्या करेगा कि कंबाइन कर देगा आपके पार्टिकल्स को, तो आप देख सकते हैं। पानी के साथ मिक्स कर लो, आराम से मिक्स कर लो, आप जैसे चाहें वैसे मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर आराम करने दो, इसे सेट होने दो, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास ग्लू है, इसके अंदर जो मेन रोल है वो ग्लू का है, तो हम दूसरे बाउल में ग्लू ले लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे पेंटिंग कलर भी हैं, जिससे क्या होगा कि हम रंग दे पाएंगे। आप जो जो चाहे वो रंग दे सकते हैं, जो चाहे वो। तो दोनों में हमने ग्लू ले लिया। फिर इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि रंग मिक्स करेंगे, आपकी मर्जी, आप जो सा चाहे वो कलर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम तो एक येलो कलर पे करने वाले हैं, ठीक है? सो ये करा हमने, निकाला येलो कलर और इसको मिक्स कर दिया, ठीक है? आराम से, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से टाइम लेके बनाना है, क्योंकि आपको मजे करने हैं इस चीज में। आराम से खींचे, आराम से सब हो जाएगा। तो देख सकते हैं येलो कलर हमने निकाल लिया है, आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही मजे के लिए ले लिया येलो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर सेट, इतनी देर में सेट हो ही जाता है वैसे, थोड़ी देर क्या ही सेट करना है। अगले में हमने रेड पेस्टल कलर, सॉरी पेंटिंग कलर मिक्स कर रहे हैं, तो इसे भी अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है? जितना क्या होता है रंग से ना, मतलब चीज खूबसूरत दिखती है। अगर मैं व्हाइट बनाता इसे स्लाइम को, तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है कि नहीं? आप ब्लैक कलर भी डाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास फेयर एंड लवली मॉइस्चराइजर, तो इसे भी डालेंगे दोनों में, क्योंकि हमें तो ये वैसे जरूरी नहीं है, आप चाहे तो डालिए, आप चाहे तो ना डालिए, ये थोड़ा सा ना मतलब चिकनापन देने के लिए है, मेन बात ये है, ठीक? और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा बोरिक एसिड है, जैसा आपको बताया था कि सेट होने देना है बोरिक एसिड को, तो अब तक जो है बोरिक एसिड सेट हो चुका होगा, देख सकते हैं पूरा डिसॉल्व हो चुका है अच्छे से। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए, इसमें एक एक चम्मच आराम से डालना है, ये नहीं कि पूरा बाउल पलट दिया आपने, ठीक है? एक एक चम्मच आराम से डालना है, और जो ग्लू है वो अपने आप उस रिएक्शन में काम होने लगेगा। देख सकते हैं ये हमारा स्लाइम बनना तैयार हो गया। तो बस ऐसे आप फेंटते रहिए और आपका स्लाइम तैयार होता रहेगा, ठीक है? ज्यादा ज्यादा नहीं करना, देख सकते हैं दोनों में चेंजेस हैं यार, मतलब पहले हमारी ग्लू थी वो चिपक रही थी, अब नहीं चिपक रही, वो फिसल रही है।
ऐसे धीरे धीरे करना है, ठीक है? आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बार में मत करना प्लीज, क्योंकि आपको भी मजा नहीं आएगा फिर। तो ठीक है, ये स्लाइम हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो भी इसके पार्टिकल्स भीगे नहीं है वो भी भीग जाए, ठीक है? आप इसने हाथों से कर सकते हैं। बस यही है हमारा स्लाइम जो कि रेडी हो चुका है खेलने के लिए। अब येलो कलर का भी स्लाइम हम रेडी करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? आप घर पे अपना सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं आराम से, इसमें कुछ नहीं करना, फेंट के आराम से मजे कीजिए। सो ऐसे ही बनता है स्लाइम, ठीक है? मार्केट में थोड़ा इसका प्रोसेस और अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कंटेनर में ना सेट करके देते हैं चीजों को। तो बोरिक एसिड ने क्या करा कि इसके पार्टिकल्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स को। और आप देख सकते हैं ये खेलने में देखने में कितने मजेदार है। हमारे दोनों स्लाइम हो चुके हैं रेडी, आप इनके साथ खेल सकते हैं बिंदास, ठीक है? कंटेनर में क्या कीजिए, एक कंटेनर लीजिए और उसके अंदर सील सील टाइट होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे क्ले क्ले हम करते हैं ना चिकनी मिट्टी क्ले, वैसे ही थोड़ी हवा लगने से थोड़ा होता है। खेलने के लिए आप निकालिए और खेलिए, उसके बाद वापस सेट कीजिए। देखिए हमारे दोनों स्लाइम हो चुके हैं तैयार। यार अब आपकी है बारी, आप भी बनाइए स्लाइम और खेलिए। आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों? आपको पसंद आई ना, आई ना, बस कर दो लाइक यार, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे साथ शेयर करो, सबके साथ करो। ये चीज तो घर पे बनाने वाली है, तो हर बच्चे को मतलब इसे इन्वॉल्व करो, बच्चा भी खुश होगा कि हाँ यार उसने कुछ बनाया है, ठीक है? बजाय कि बाजार से चीजें लाना, ठीक है? मटेरियल तो हर कोई ला देता है, क्या उस चीज का, कोई बनी बनाई चीज और खुद से बनाई चीज में बड़ा फर्क होता है, ठीक है? आप एक बार बना के दीजिए, देखिए आपको मजा नहीं आएगा तो कहिएगा, आप खुद भी खेलेंगे बच्चे के साथ। तो इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, फिर मिलेंगे।